Welcome back, dear children. Myself, Mrs. Rajni, English teacher of your class. This is cover page of English book. These are contents of English book. Here given 12 chapter and each two chapter having one rhymes. And our first and second chapters has finished in previous video. Now this time to rhyme. Five little chicken. Okay. This is the title of rhymes. Okay, five little chicken. Here we will learn about thinking of chicken for food. So let's start with starter kit. Do you know all birds keep for meat or egg? You know, children, are known as poultry. आपको पता है ना कि सारे birds, बहुत सारे birds को जो है meat और egg के लिए poultry में रखा जाता है. कैन यू नेम दिस पोल्ट्री बर्ड्स? क्या यहाँ पर आप पोल्ट्री बर्ड्स का नाम बता सकते हैं? टेल मी. यस, फर्स्ट इट इज़ पोल्ट्री बर्ड्स. यस. सेकेंड, पिजन इज़ अ वो पोल्ट्री बर्ड? यस. एंड थर्ड, इट इज़ अ पोल्ट्री बर्ड्स? नो. फोर्थ, इट इज़ अ पोल्ट्री बर्ड्स? नो. एंड लास्ट, हैन, इट इज़ अ पोल्ट्री बर्ड? यस. नाउ लेट्स स्टार्ट. Said the first little chicken. See here. Here's you can see. Said the first little chicken. With a strange little squam. I wish I could find a fat little worm. Here first जो little chicken है वो क्या कह रहा है? वो बड़े ही दुख के साथ क्या कह रहा है? वो squam it means a painful राइटिंग. अब पेनफुल मतलब बहुत ही दुख भरी बातों से कह रहे हैं. आई विश, काश, आई कुड फाइंड अ फैट लिटिल वॉर्म. काश मुझे एक मोटा कीड़ा वॉर्म मिल जाता है ना. हैन जो है, चिकन जो है, क्या खाते हैं? वॉर्म खाते हैं ना, कीड़े मकोड़े छोटे छोटे, और वो ग्रेन्स भी खाते हैं, अनाज भी खाते हैं वो, है ना. तो वो ये होप कर रहे हैं, वो थिंक सोच रहे हैं कि काश मुझे ये छोटा सा कीड़ा मिल जाता, वॉर्म मिल जाता. ओके, नाउ सेकेंड वन. सेट द सेकेंड लिटिल चिकन. हियर यू कैन सी. सेट द सेकेंड लिटिल चिकन विथ अ पेनफुल हंग्री गेज. ये जो लिटिल चिकन है, सेकेंड लिटिल चिकन है, वो क्या करे? बड़े ही दर्दनाक भूख के साथ एक टकटकी लगा के बोल रहा है. क्या बोल रहा है? आई विश I could find a fat grain of maize. काश मुझे एक बड़ा सा अनाज मिल जाता, मक्के का बड़ा सा अनाज मिल जाता, है ना. Now let's start third one. Said the third little chicken. अब यहाँ पर देखिए, see here. Said the little third chicken with a sharp little squall. Squall means a long high cry. मतलब बहुत जोर जोर से चिल्ला के जो रोते हैं ना, तो वो ऐसे ही बोल रहा है. आई विश आई कुड फाइंड सम नाइस लिटिल मिल्क. मैं वो विश कर रहा है कि काश मुझे थोड़ा सा अनाज मिल जाता. नाउ लेट्स सी फोर्थ चिकन. फर्स्ट चिकन ने कहा कि काश मुझे एक मोटा सा वॉर्म मिल जाता. सेकंड चिकन ने कहा कि मुझे एक मोटा सा ग्रेन मैच मक्के का अनाज मिल जाता. थर्ड चिकन ने कहा कि काश मुझे खाना मिल जाता थोड़ा सा. नाउ लेट्स सी फोर्थ चिकन. सेट द फोर्थ लिटिल चिकन. हियर यू कैन सी फोर्थ चिकन क्या कह रहे हैं. विथ अ साई ऑफ ग्रीफ आई विश आई कुड फाइंड अ लिटिल ग्रीन लीफ. ये सोच रहे काश मुझे ग्रीन लीफ मिल जाता, है ना. ये फोर्थ चिकन कह रहा है कि काश मुझे ग्रीन लीफ मिल जाता. लेट्स सी फिफ्थ चिकन क्या कह रहे हैं. सेट द फिफ्थ लिटिल चिकन. सेट द फिफ्थ लिटिल चिकन विथ अ फैंट लिटिल क्राई. आई विश आई कुड फाइंड अ लिटिल ग्रेन ऑफ राई. ये क्या सोच रहे हैं कि काश मुझे ग्रेप, इट मीन्स क्या होता है, फीलिंग ऑफ ग्रेट सैडनेस, मतलब बहुत ही दुखी के साथ ये कह रहा है कि काश मुझे मिल जाता राई का एक छोटा सा दाना मिल जाता मुझे, है ना. ये क्या कह रहा है फिफ्थ चिकन, राई का दाना. नाउ लेट्स सी
ना सी हियर सेड द मदर। फिर मदर ने क्या कहा, नाउ सी हियर सेड द मदर फ्रॉम द ग्रीन गार्डन पेज। आओ देखो यहाँ पर आइए, गार्डन में आइए, एक जगह है ना पैच है यहाँ पे। इफ़ यू वॉन्ट योर ब्रेकफास्ट, अगर आप लोग अपना ब्रेकफास्ट चाहते हो, जस्ट कम हियर एंड स्क्रैच, आप अपना ब्रेकफास्ट चाहते हैं तो आइए और यहाँ पर स्क्रैच कीजिए। ओके, हैव यू सीन चिकन, दे ऑलवेज स्क्रैचिंग एंड फाउंडिंग समथिंग। ओके डियर चिल्ड्रन, सो आर राइम्स ऑल्सो हैज कम्प्लीट। नाउ दिस टाइम टू रीड एंड फाइंड। सो फर्स्ट वन, फाइंड फ्रॉम द पोयम सिक्स राइमिंग पेयर ऑफ वर्ड। सिर्फ सिक्स राइमिंग पेयर वर्ड, पेयर राइमिंग वर्ड, यू नो ना राइमिंग, जस्ट सेम सेम जिसका प्रोनंशिएशन लगभग होता है उसे कहते हैं राइमिंग वर्ड। लाइक यू कैन सी हियर, ग्रीफ एंड लीव, ग्रीव एंड लीव, क्राई एंड राय, पैच एंड स्क्रैच, दीज आर राइमिंग वर्ड। ओके, सो यू विल राइट हियर लाइक फर्स्ट वन, ग्रीज मैच, स्क्वेल मील, स्क्वेल मील, ग्रीव लीव, क्राई राय, पैच स्क्रैच, स्क्वैम वॉर्म। ओके, दीज आर राइमिंग वर्ड। Now let's start second one. Write here what each chicken wants for its breakfast. आपको यहाँ पर लिखना है chicken अपने breakfast में क्या क्या चाह रहे थे। You know ना, first chicken warm, second chicken meal, third chicken match, second chicken match, third chicken meal, fourth chicken क्या चाह रहे थे, green leaf and राई। ओके, सो नाउ दिस टाइम टू फॉर्मेटिव असाइनमेंट वन, इट इज़ बेस्ड ऑन चैप्टर वन एंड चैप्टर टू। ओके, सो लेट स्टार्ट, फर्स्ट रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। अ क्वाला हैज टू शार्प टीथ इन द फ्रंट फॉर चेयरिंग लिप्स, इट हैज फ्लैट टीथ एट द बैक फॉर चेविंग फॉर द लिप्स। It comes down on the ground when it has to move to a new tree. Okay, it is a passage. So according, you have already learned chapter 2, it is based on chapter 2. So now this time to question and answer. First question, what does a koala do with its front teeth? So tell me student, koala uses front teeth for tearing leaves. Okay, now second question, what does a koala do with its back teeth? Koala uses back teeth for chewing the leaves. Okay, now let's start third one, when does a koala come down on the ground? Koala kab niche aata tha? Koala come down on the ground when it has to move to new tree. Okay, let's start fourth one, find from the passage the opposite of front. Opposite of front, what is the opposite of front? Back. So our first question has finished. Now this time to second question, choose the correct word for each blank. Here given six word, you will fill it correct word. Okay, so let's start first one, honey is very bigger, no, biggest, no, so what will come, sweet, honey is very sweet. And second one, honey is blank then sugar, so it is compare one na, so what will come, sweeter, honey is sweeter than sugar. Third one, honey is the sweetest thing on earth. Okay, now fourth one, the elephant is blank animal, obviously big will come, big animal. Fifth one, the elephant is blank than the lion, bigger than lion. Here talking about comparison na, so
एलिफेंट इज अ बिगर कंपेयर टू लॉयन. द एलिफेंट इज द बिगेस्ट एनिमल ऑन लैंड. ओके, सो नाउ दिस टाइम टू थर्ड क्वेश्चन. चूज द करेक्ट सेंटेंस इन ईच पेयर. सी हियर, फर्स्ट दिस इज अ पेन ऑफ माई सिस्टर आर दिस इज माई सिस्टर्स पेन. सो विच इज करेक्ट? सेकेंड वन. ओके, नाउ सेकेंड वन, वॉट इज द नेम ऑफ योर सिस्टर आर वॉट इज योर सिस्टर्स नेम. सो विच क्वेश्चन वर सेंटेंस इज करेक्ट? सेकेंड वन. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट थर्ड वन. द पेपर ऑफ दिस बुक इज वेरी फाइन आर दिस बुक्स पेपर इज वेरी फाइन. सो फर्स्ट वन करेक्ट. ओके, नाउ दिस टाइम टू लास्ट क्वेश्चन. राइट द नेम ऑफ एनी 10 पार्ट्स ऑफ योर बॉडी. यू कैन राइट ईजली, यू कैन राइट ना, लाइक आईज, नोज, ईयर, हैंड, लेग, फिंगर, टंग, हेड, नेक, स्टमक, यू कैन राइट ईजली. ओके, सो आर फाइनली आर फर्स्ट सेकेंड चैप्टर एंड राइम्स हैज कम्प्लीटेड. नेक्स्ट वी विल मीट विथ नेक्स्ट चैप्टर. ओके, थैंक यू.